नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित बर्मन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बर्ड्स केयर एंड इन्फो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विंटर में हम अपने पैरेट को कौन कौन सी सीड देनी है, हमें अपने पैरेट के लिए विंटर की मिक्स सीड कैसे बनानी है, इस पर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, विंटर हो या समर हो, आप अपने पैरेट को कोई सी भी सीड दे सकते हैं, बस क्वांटिटी में कम बेसी करनी होती है। सबसे पहले तो विंटर सीजन में बाजरा की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, इसके साथ साथ सनफ्लावर सीड की भी क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि ये दो सीड गर्म होते हैं, तो ये दो सीड की क्वांटिटी ज़्यादा रख सकते हैं। इसके बाद जो सीड मिक्स करनी है वो है व्हीट, मतलब गेहूं। गेहूं को मिक्स करने से पहले एक बार अच्छे से धो लें, उसके बाद उसे धूप में सुखाकर मिक्स सीड में ऐड करना है। आप चाहे तो इसकी भी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो सीड मिक्स करनी है वो है उड़द की दाल, काला चना, हरी मूंग, ब्राउन राइस, पैडी, ये चार बेसिक हैं। मिक्स सीड में ये सब ऐड रहना चाहिए। इसके बाद जो सीड मिक्स करनी है वो है सोयाबीन की दाल, ये तोते बड़े शौक से खाते हैं और ये हेल्दी भी होता है आपके पैरेट के लिए। इसके बाद जो सीड मिक्स करनी है वो है वाइट चना, ये भी तोते खा लेते हैं। इसके बाद आप मिक्स कर सकते हैं आलमंड्स सेल वाले, तो तोते को सेल वाले बादाम को तोड़ने में बड़ा मज़ा आता है, ख़ास करके अलेक्जेंड्रिन पैरेट को। अलेक्जेंड्रिन पैरेट बड़े आराम से इसे तोड़ लेते हैं। इसके अलावा मूंगफली को भी ऐड करनी है, और एक बात का ख़ास करके ध्यान रखना है कि किसी भी सीड में सॉल्ट ऐड नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।